हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशंस। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन की आज जो है सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये वीडियो और आएगी, सिंप्लीफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जब क्लासेस करेंगे और आए इसके बाद, तो उसमें मैं अपने नोट्स से जो मैंने बीच बीच में लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन की कुछ ट्रिक्स लिखी हुई हैं, तो वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। इसमें ये थर्ड है लेक्चर, और जो लोग नए आए हैं मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है पूरा सेशन, और आपके एग्जाम जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत अच्छा है तो मैं आपका स्कोर बहुत अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि जीके मैथ और रीजनिंग यही मेरे सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जीके में इवन मेरे 80% प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता सकता हूँ चीज़ें कहाँ से आती हैं, किस तरह से करनी होती हैं। और 80% तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूँ, मेरा हाईएस्ट स्कोर अभी तक 50 में से 42.5 रहा है इन जीके सेक्शन। स्टैटिक पार्ट भी उसमें आता है, तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं लाए जा सकते, लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन का इस थर्ड वीडियो है, इससे पहले जिसने नहीं देखी हो प्लीज़ देख लेना। अब इसमें करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस जो इम्पॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और उसके बीच में कंपेयर। अब देखो फ्रैक्शन में जो एडिशन होता है, जैसे आप फ्रैक्शन है वन एक सही एक बटा दो प्लस के दो सही एक बटा चार। ठीक है, अब आपको इसका एडिशन करना है, तो आप क्या करो, दो सही दो एकम दो प्लस एक तीन बटा दो करो, फिर इन सबको करो। इस तरह से करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको सिंपल से क्या करो, इसको इस तरह से तोड़ लो, एक सही एक बटा दो को एक प्लस के वन बाई टू प्लस के टू प्लस के वन बाई फोर। ठीक है, इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो इसको। देन जो नॉर्मल नंबर है उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना हो गया थ्री, प्लस माइनस में हो चाहे कैसे भी हो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वन बाई टू क्या है, अब देखो वन बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, टू बाई फोर लिख सकते हो। आप क्या है, इजी बनाने के लिए न्यूमिनेटर को सेम कर लो, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम कर लो। इसको क्या है, ये तो वन बाई फोर है ही है आपका, तो 3 प्लस के क्या हो गया आपका 3 बाई फोर हो गया, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3 बाई फोर। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ तक सिंपल। अब इसी में एडिशन के साथ हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखो इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, 2 सही 1 बाई फोर माइनस के 3 1 बाई 3 सही 3 बाई फोर। ठीक है, 3 नहीं, इसका आंसर 0 हो जाएगा इसके बाद, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या करूँगा, 1 सही 3 बाई फोर। ठीक है, इस तरह से कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1 है, 1 प्लस के 1 बाई टू लिखूंगा मैं इसको, प्लस के 2 प्लस के 1 बाई फोर लिखूंगा 2 से 1 बटे 4 को, और इसको क्या लिखूंगा, देखो इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस तो बाहर हो गया, 1 प्लस के 3 बाई फोर। इस तरह से करना, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है हर चीज़ में। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपने ये तो अभी ऐसे लिख लिया, अभी डायरेक्ट आगे जब करोगे तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं को डायरेक्ट करोगे। तो देखो 1 एंड 2 कितना हो गया 3, माइनस के 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। ओके, देन इसका क्या आ गया आपका प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है 1 बाई टू, ये क्या है आपका 1 बाई फोर, देन आपका क्या है माइनस के 3 बाई फोर। अब इनका क्या है, या तो आप एलसीएम ले लो या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ये क्या है आपका 1 बाई टू, क्या है आपका 2 बाई फोर है, ये तो आप मन में कर सकते हो इन सब चीज़ों को, और ये 1 बाई फोर है माइनस के 3 बाई फोर है। अब देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है सभी का, हर सेम है, तो 2 और 1 3 बटा 4 माइनस के 3 बटा 4, तो ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया, और आपका क्या आ गया फाइनल 2 आ गया, तो 2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करो, आप एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट करो। ये तो मैं आपको 3 स्टेप लिख के बताएंगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए भी मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट एक मल्टीप्लीकेशन है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, मल्टीप्लीकेशन में सेम लगती है बट आपको लगानी नहीं है, मेरी एडवाइस ये आपको लगानी नहीं है अगर आप एग्जाम में चीज़ें कर रहे हो। तो आपको अगर दे रखा है 1 एक से 1 बटा 2 मल्टीप्लाई 2 से 1 बटा 4, तो आपको ऐसा नहीं करना कि इसको प्लस में लिखना है, इसको भी प्लस में, ऐसा मत करना। इसको 2 एकम 2 और ये कितना है 3 बटा 2, और ये क्या आप लिखोगे 4 दूनी 8 और 9 बटा आपका 4, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा 9 27 बटा 8। तो आप डायरेक्ट ऐसे करो इसको। ठीक है, कोई भी आप इसमें ट्रिक मत लगाना, मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेशन में भी कोई ट्रिक मत लगाना। ठीक है, इसको डायरेक्ट करना, वरना आप थोड़ा सा कंफ्यूज, जो जिस चीज़ को हमें करना है शॉर्ट से उसको शॉर्ट से करेंगे, जिस चीज़ में जरूरत नहीं है शॉर्ट की उसको यूज़ नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कंपेयर को कैसे। देखो 2 बटा 7 और एक ले लेता हूँ मैं 4 बटा 9, इसमें आपको कंपेयर करना है। एक दूसरा मैं ले लेता हूँ 5 बटा 8 और आपका ले लेता हूँ 4 बटा 7। ठीक है, आपको इसमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको डिवाइड करके नहीं देखना है। डिवाइड करके देख, अभी आप सोच रहे हो डिवाइड करके देख लेते हैं, तो डिवाइड करने से अभी तो आपका हो जाएगा, लेकिन आगे जाके डिजिट ऐसी आएंगी कि आप नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे।
देखो यहाँ से 9 का 2 से हुआ तो कितना आ गया, 18 आ गया। ऊपर जो संख्या लिखी रहेगी वो ऊपर ही होगी, 7 का 4 से किया तो 20 हो गया। इनमें से बड़ा कौन सा आपका, ये तो डेफिनेटली ये नंबर आपका क्या होगा, ये फ्रैक्शन आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 7 का 5 से किया तो कितना हो गया 35, 8 का 4 से किया तो आप क्या करोगे इसमें 32। तो देखो कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है तो आपका क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 में आपसे कंपेयर करवाए तो भी आप कर सकते हो, 3 में कंपेयर करवाए तो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे 2/7 है आपके पास, इसके बाद 3/8 है आपके पास, 4/9 है, मैंने रेंडमली नंबर ले लिए हैं लगातार वाले। अब आपसे बोला है इसमें आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 × 2 = 16 और 7 × 3 = 21 कौन सा बड़ा है आपका, 3/8 बड़ा है, तो 3/8 बड़ा है आपका 2/7 से। ठीक है, इसके बाद आपका 4/9 और 2/7 के बीच में कंपेयर करके देख लेते हैं, 4/9 और 2/7, तो 2 × 7 = 28 और 9 × 2 = 18, तो आपका बड़ा कौन सा है ये, यानी 2/7 से 4/9 बड़ा है। लेकिन अब हमें 3/8 से भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो, तो 4/9 जो है वो 3/8 से क्या है, देखो 8 × 6 = 32 और 9 × 3 = 27, तो बड़ा कौन सा है, 4/9 बड़ा है, तो 4/9 बड़ा है किससे, 3/8 से भी और 2/7 से भी, तो डेफिनेटली क्या होगा, 4/9 होगा। अब आपसे ये तो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, ये तो क्या है अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो 2/7 देन क्या होगा आपका 3/8 देन क्या होगा आपको 4/9। ठीक है, ये इस तरह से चीजें आ जाएंगी। ओके, अब ये आप इस तरह से ही कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद मैं एक आपको बॉर्ड मास बता देता हूँ, इसमें देखो 15-15 मिनट की वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है, और आपके एग्जाम में जो चीज़ें आ रही है ना, मैं प्लीज़ पढ़ के जाना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ के नहीं जाओ बाद में देखो कि इन वीडियोज़ में था। और देखो मेरे खुद के मार्क्स हैं, मैं चाहता हूँ कि जब टीचर कोई भी पढ़ाए तो उसके खुद के मार्क्स होने चाहिए उस सब्जेक्ट में, तो मेरे खुद के मार्क्स हैं, और ESIC जैसे एग्जाम में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 42.5, ऐसा CGL में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 40+ मार्क्स हैं, CHS में 40 हैं एंड CGL में 42.5 है मेरे, स्टैटिक GK भी आती है उसमें, करंट GK भी आती है। तो आप देख सकते हो कि जब कोई GK पोर्शन में इतना स्कोर करे, डेफिनेटली वो अपने नोट्स से अगर चीज़ें बता रहा है आपको तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, टाइप नहीं करवा सकते, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको मैं इसमें पढ़ा सकता हूँ। देखो बॉर्ड मास जो है, इसमें बॉर्ड मास में क्या क्या चीज़ होती हैं, BBOD, आप ऐसे मत समझो मैंने डबल बी लिख दिया तो गलती कर दी है। देखो यहाँ पर बी है बार, बार ठीक है, बी फॉर बार, ये जनरली नहीं पढ़ाते टीचर्स कि जैसे 2+3 का ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, 2-3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये है आपका ब्रैकेट, ये है आपका क्या, ब्रैकेट, देखो स्पेलिंग गलत हो गई होगी देख लेना। ठीक है, ब्रैकेट में ये इस तरह से है, ओ फॉर है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, डी फॉर है डिवाइड, और एम फॉर है आपका मल्टीप्लाई, ए फॉर है आपका एडिशन, एस फॉर है आपका सब्ट्रैक्शन। अब आप कहोगे ऑफ और मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है, देखो जब किसी चीज को परसेंट से कनेक्ट करते हैं तो वहां आता है ऑफ, यानी कि ऑफ एक ऐसा नंबर है जो अपने साथ लेफ्ट में भी एक नंबर लेता है और राइट में भी एक नंबर लेता है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए परसेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, ऑफ जो है वो फ्रैक्शन पार्ट लेता है, और परसेंट क्या है, परसेंट भी तो एक फ्रैक्शन पार्ट है, अपॉन 100 आता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपको बोला है 2+3 के ऊपर बार ब्रैकेट में -3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइड 6 एंड +2 -3, आपको ये नंबर दिया है तो आपको सॉल्व करना है इसमें। और ब्रैकेट का जरूर याद रखना, आप अगर ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ दे रखा है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे पीछे कर देगा तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे, देखो 2-3 ये क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। अब इसमें क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले माइनस सॉल्व होगा या गुणा सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा आपका, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं, ये तो ऑफ है, आपका माइनस और मल्टीप्लाई में कौन सा सॉल्व होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनस के आपका क्या हो गया, 12 हो गया, ये तो यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद आपका डिवाइड आ गया ये 6, ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इस तरह से कर लो, ये कितना हो गया आपका, -13, और ये क्या हो गया, अपॉन में 6 हो गया। ओके, अब 6 होने के बाद +2 एंड -3 कितना हो गया, -1 हो गया, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, -19, अपॉन के क्या आएगा, 6 आएगा आंसर आपका।
ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी पॉट मास की। इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बस जो जो सिंपल चीज़ें वो आप कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी ज़रूरत होगी क्वेश्चंस की वहाँ भी क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें कुछ नोट हैं इंपॉर्टेंट आपके। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एंड में इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, इनमें चार ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक जैसे ऑप्शन आपको दे रखा है 9808, ठीक है 9808। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है 9801 एंड तीसरा आपको ऑप्शन दे रखा है 9802 एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 9903, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। ये तो मैंने देखो चार डेट लिए हैं, 1 2 3 4। आपके पास सीपीयू में सीजीएल में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे ये चीज़ें, और ये जो क्लास है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्वांट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर पूछा गया था, एक काफ़ी अच्छी डेट दी थी और पूछा परफेक्ट। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी यूनिट जो नंबर होता है, यूनिट नंबर यानी कि इकाई जो संख्या होती है, ये वाली इकाई संख्या वो यूनिट नंबर 2 3 7 8 नहीं होता, ठीक है। और ये आप करके देख सकते हो, किसी का भी स्क्वायर करोगे एंड में क्या आएगा, 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो 99 मैं ऐसा करता हूँ, 9 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 81। तो लास्ट में 1 आया लेकिन 2 3 7 8 कहीं पर भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये 8 है ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन थे, तो आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें दूसरा ही पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगी, ऑड जीरोस प्रेजेंट होंगी किसी संख्या में, ऑड जीरोस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ऑड जीरोस अगर प्रेजेंट होंगी किसी संख्या में, तो वो भी क्या होगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई नंबर, यानी कि एक नंबर है जैसे मैं ले लेता हूँ 144000, इसमें क्या है ऑड नंबर 1 2 3 0 है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। क्यों, जैसे कि 100 ले लेते हैं, 1000 के साथ एक जीरो और ले लेता हूँ मैं, 10000 ले लेता हूँ, तो जब इसका स्क्वायर रूट करूँगा मैं तो क्या आएगा, 2 0 का 1 0 एंड अगेन 2 0 का 1 0, यानी कितना आएगा आपका, 100 आएगा। 100 का स्क्वायर करके देखो तो क्या आएगा आपका, 4 times 0 आएगी, यानी एक जीरो क्या हो जाती, डबल हो जाती। अब ये क्या है, इसका मतलब आधी जीरो डबल हुई, आधी तो कोई होती नहीं है। तो जब ऑड जीरोज होंगी प्रेजेंट किसी नंबर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि जब आपके जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट संख्या अगर ऑड प्लेस पर है आपकी, जैसे 144.02, ठीक है, इस तरह से ले लो, या फिर आप कह लो इसको छोड़ो 98.01, ठीक है, ये आपकी क्या है, आपकी इवन प्लेस पर है। लेकिन अगर ये इस तरह से होती 9.801, अब 9801 किसका स्क्वायर है, 99 का, तो देखो इसमें किसका स्क्वायर होगा, 99 का, बट ये पॉइंट कहाँ आएगा, आपका यहाँ पर आएगा। अब जब पॉइंट हटेगा तो आपका कितनी बार, दो के आगे पॉइंट लगेगा, यहाँ पर क्या है, ऑड प्लेस पर है, 1 2 3, ठीक है। अब जब पॉइंट लगेगा तो मल्टीप्लाई किससे करते हो, इसको 9.9 से करते हो, कि जब भी आपका जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या होगा, 1 और 2 संख्या से बाद आपका पॉइंट लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, 3 का है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर 9.9 का मल्टीप्लाई मैं 9.9 से करूँगा तो क्या आएगा, 98.01, यानी इवन प्लेस पर क्या आएगा, आपका पॉइंट आएगा। किसी नंबर जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितनी आएंगी, इवन जीरोस आएंगी, तो सेम पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट भी क्या आएंगे, इवंस आएंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ऑड प्लेस पर आपका पॉइंट है, तो क्या होगा, 1 2 3 के बाद आपका पॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वो आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कैसे, देखो आपसे ये पूछा गया है कि 3 अंडर रूट 3 और ये किस तक, इन्फिनिटी तक है। तो
तो आपको इसका मान क्या होगा? आपको कोई भी प्रोसेस नहीं लगानी है, मैं आपको कोई भी प्रोसेस नहीं बताऊंगा इसमें। देखो ये मैं चाहूँ तो इसको पूरा सॉल्व करा सकता हूँ, बट आपकी यूज का नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको x मान सकते हो, इक्वल टू इसको x रख लो तो यह क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा, बट ये आपको चीज़ें आती होंगी, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, थ्री करोगे, हो सकता है ये भी आपने करा हो पहले, लेकिन मेरा काम है एक बार आपको अपने नोट से सारी चीज़ें बताना। तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, वही मल्टीप्लिकेशन में है, इन्फिनिटी तक है, तो वो क्या होगा नंबर, वही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो इसी में आपका, अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं है, जैसे थ्री अंडर रूट में थ्री, देन अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन में थ्री, तो आपको क्या होगा इसमें, देखो थ्री की पावर ये क्या है, वन बाई टू, ओके ये वाला हो गया। अब इसके बाद इसको देखो, देखो डबल पावर है वन बाई फोर, ये क्या है ट्रिपल पावर है वन टू एंड थ्री, वो भी क्या है अंडर रूट में, तो वन बाई एट। अब इसको या तो आप सॉल्व करो डायरेक्ट, वरना आप क्या करो थ्री की पावर वन माइनस के जो लास्ट वाला नंबर है उसको आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया थ्री की पावर सेवन बाई एट, वरना इसको सॉल्व कर लेना, सेम आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो इसमें इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अंडर रूट में आपको दे रखा है क्या 56 प्लस के अंडर रूट के 56 और प्लस के अंडर रूट के देन अगेन 56 और इस तरह से आपको करना है, सेम प्रोसेस है। आप चाहो तो आप इसको एक्स मान के करो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट करो। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। देखो प्लस लिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्ट आंसर 56 कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, 8 करेंगे, देन क्या होगा ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से होगा। दोनों क्या है, लगातार नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस लेने पर हम बड़े नंबर को कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या होगा इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में सेम। देखो सारे क्वेश्चन के तरीके हैं, अब इसमें अननेसरी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इसके बाद क्या है, 56 है माइनस के अंडर रूट में 56 है, ओके देन डेट इज इन्फिनिटी तक। अब देखो सेम फैक्टराइज करो, फैक्टर क्या कॉन्सिक्यूटिव हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 8 इंटू 7 56 होता है, यहाँ क्या माइनस है तो छोटे नंबर को कंसिडर कर लेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 7 आएगा। लेकिन अगर इनकेस ऐसा कोई नंबर होता है जिसमें आप क्या करो आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं माइनस के अंडर रूट में, देखो यहाँ से करोगे अंडर रूट में प्लस, इसको प्लस ले लो, ठीक है। ये क्या होगा 3 प्लस के अंडर रूट देन अगेन 3, ठीक है। इस तरह से कब तक, इन्फिनी तक। तो देखो इसके फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा 3, और इसके फैक्टर करोगे तो 1, 3 इंटू 1, बट क्या है यहाँ पर प्लस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या है प्लस है, तो आप ये तो ले नहीं सकते, 1 तो आप ले नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 3 से छोटा हो और 1 से क्या हो आपका बड़ा हो, ठीक है। 3 से तो आपका छोटा हो और आपका 1 से बड़ा हो, तो जो आंसर होगा वो इसी फॉर्म में होगा, 3 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1। ए क्या है, ए वही नंबर है जो इसका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई, अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है तो आप इस तरह से उसको आंसर करोगे, ठीक है। यहाँ तक ये क्लास हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हीं में से आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से देखो आप। इसके बाद मैं आपको टायर 2 के लिए भी एडवांस चीज़ें कराऊंगा, जिन बच्चों को लग रहा है उनका एग्जाम निकल जाएगा डेफिनेटली वो मेरे साथ तैयारी करें, ठीक है। ओके गाइज, देखो बहुत अच्छे से करना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स से है और मेरे नोट्स में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, टेस्ट सीरीज में मेरा ऑलवेज 100% स्कोर आया है मैथ्स, ठीक है, और इसलिए मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से करना। स्टैटिक जीके भी बहुत अच्छा है मेरा, तो स्टैटिक के साथ करंट में मैंने एक ऑलरेडी PDF अपलोड की है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपको शो हो रहा होगा डेफिनेटली, उस लिंक पे जाके आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।